नमस्कार, प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के घोराहा कल्याणपुर में बीती रात धारदार हथियार से प्रहार कर 70 वर्षीय वृद्ध बिहारी लाल की हत्या कर दी गई। जब घर वाले 4 बजे सुबह भोर में उठे तो देखा कि बिहारी लाल खून से लथपथ पड़े थे, जिसकी सूचना तुरंत उन्होंने पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी पाकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने छानबीन की। वहीं डॉग स्क्वाड का दल भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की। जानकारी पाकर क्षेत्र अधिकारी 12 विमल किशोर मिश्रा एवं SP यमुनापार सौरभ दीक्षित ने पहुंचकर मौका मुआयना के बाद जांच कर हत्या का खुलासा जल्द किए जाने की बात कही। हेड कोऑर्डिनेटर विनय, ये पूरी घटना क्या थी? अभी 4 बजे भोर में फोन पर हमको बताया गया कि यार ये हमारे गांव के बिहारी लाल सिंह हैं, लगभग 75-80 साल के बुजुर्ग आदमी थे। तो उनके घर से फोन गया कि ये बाबा जी हमारे पिताजी खत्म हो गए हैं। मैं आनंद फानंद में आया यहाँ तो देखा कि यार वो खून से लथपथ पड़े हुए थे, उनके सर पर 4-5 से काफी गहरे घाव के निशान थे। गांव के आसपास के लोग अपना आए, हल्ला मचा इतने तकते हुए। बाद में ये हुआ कि यार ये इनका मर्डर हुआ है, तो थाने सूचना दिए। फिर हम पुलिस को फोन किए, SO साहब को फोन किए और हल्का इंचार्ज को फोन किए, वो सब लोग आए। फिर कैसे संदिग्ध दिख रहा था उस पर वो किए, फिर उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए तो वहीं गांव के लोग चर्चा करने लगे कि हमारे यहाँ मवैया पहलवान के रहते हैं, थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप के युवक है। तो उसके बारे में कहने लगे कि यार वो शाम को उसको 2:30-3 बजे लोग यहाँ से खेदे थे, हल्ला मचाए थे। तो जब वो दरोगा जी सुने तो हम तो पूछ लेंगे, हम कहना एक हाई लड़का वो दिमाग खराब रहता है। फिर उसी पर संदेह गया, उसकी निशानदेही पर जो है फिर वहाँ फोन करवाए मवैया पहलवान प्रधान जी से। तो उसके पास में जो लोग थे तो वो बताए कि हाँ यार ये आया है, यहाँ पर है, 3-3 बजे के लगभग यहाँ आया, बता रहा है कि हम वहाँ गए और बिहारी लाल को जान से मार करके चले आए। तो संभवतः सारा क्लू मिल गया है। आपका नाम और परिचय? पुष्पराज सिंह, ग्राम प्रधान बढ़ैया। देखिए, थाना शंकरगढ़ के एक गांव वो रहे कल्याणपुर से आज प्रातःकाल एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, उनका नाम है बिहारी लाल, उनकी संदिग्ध अवस्था में एक शव मिला है इनके घर के बाहर। तत्काल इस सूचना पर थाना प्रभारी शंकरगढ़ और क्षेत्राधिकारी 12 ये लोग फील्ड यूनिट के साथ पहुंचे और वहां पे जो भी साक्ष्य थे उनका संकलन करना चालू किया। इसी बीच किसी अन्य जो भी हम वहां पे गवाह थे गांव के, उन लोगों द्वारा ये बताया गया कि गांव का एक व्यक्ति है लाल बहादुर, उससे अगर बातचीत की जाए तो उसको इस घटना के बारे में जानकारी हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा मानसिक संतुलन उसका कम है और पहले भी उसने गांव के लोगों के साथ उग्र व्यवहार रखा है। इस सूचना पर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। जो डेड बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। PM रिपोर्ट में मृत्यु के सही कारणों का पता लगाया जा सकेगा। घटना स्थल निरीक्षण से ऐसा लगता है कि किसी धारदार हथियार से प्रहार करके इनकी मृत्यु कर दी गई है। जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ की जा रही है और जो वादी पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बहुत जल्द जो भी इसमें कारण निकल के आता है आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सर, हत्या कारण क्या हो सकता है, कुछ पता चला? अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है स्थानीय पुलिस द्वारा, उसमें जो अभियुक्त है उसने ये बताया है कि वो कुछ मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उसका, स्वयं भी इस बात को कबूल रहा है। और गांव घर के बाहर वो शौच कर रहे थे जब मृतक, ये भी वहीं पर शौच करने के लिए गया था और उनके द्वारा आपत्ति की गई कि मेरे दरवाजे पर शौच आप मत करिए। इस बात पर नाराज होकर के उसने वहीं पर रखे एक धारदार हथियार से प्रहार कर दिया। इतनी बात अभी तक इसने बताई है और गहनता से पूछताछ चल रही है। थैंक यू।